नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हमारे घर में श्री माँ लक्ष्मी जी का व्रत है, तो सोचा माता के प्रसाद के लिए केले का हलवा बनाया जाए, और ये बनेगा गोवा के स्पेशल मांडोली केले से। तो चले शुरू करते हैं बनाना। दोस्तों, ये है मांडोली केले, जो कि ज़्यादातर गोवा में ही पाए जाते हैं। ये साइज़ में बहुत बड़े होते हैं, लगभग 1 फुट के आसपास। ये तो जान है गोवा की। सबसे पहले हम केले छिलके लेते हैं। आप देख रहे हो ना साइज़ में कितने बड़े हैं। इन केलों का टेक्सचर भी थोड़ा फर्म ही रहता है, नॉर्मल केले की तरह ये पिलपिले नहीं होते, और हलवे के लिए तो एकदम परफेक्ट है। अभी हम हलवे के इंग्रेडिएंट्स भी बता देते हैं। गिन के 4 चीज़ें लगती है दोस्तों, देसी घी, शक्कर, इलायची पाउडर और ऑफ कोर्स मांडोली केले। तो अब हम इनको काट के लेते हैं। हमें इनके पतले स्लाइसेस बनाने हैं, एकदम पतले भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें हलवा एकदम मैश नहीं करना है। खाते समय मुंह में केले का टेक्सचर आना ज़रूरी है। ये बिल्कुल परफेक्ट साइजेस के स्लाइसेस हैं। अब इसमें चीनी मिला लेते हैं। दोस्तों, आप ये रेसिपी डेफिनेटली घर पे ट्राई कीजिएगा, हालांकि इसमें मांडोली केले ज़रूरी है, लेकिन आप लोकली अवेलेबल केले से ट्राई कीजिएगा। और हाँ, हलवा कैसे बना वो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, ये एकदम सिंपल रेसिपी है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, और गोवा में ट्रेडिशनली ऐसे ही बनाई जाती है। अब शक्कर अच्छी तरह से मिला के ले, पूरी तरह से शक्कर पिघलनी चाहिए। शक्कर पिघलने के बाद हमें इसे 2 से 3 घंटे ढक के रखना है। मीनवाइल हम इलायची पाउडर बना लेते हैं। दोस्तों, इलायची पाउडर हमेशा मॉर्टर में ही बनाना है, क्योंकि इसमें दाने एकदम ग्राइंड होते हैं, जिससे कि इनमें से तेल रिलीज होता है, जो बहुत ही ज़्यादा एरोमा देता है। मिक्सी में हो बात नहीं, क्योंकि उसमें मसाले कट जाते हैं, ग्राइंड नहीं होते। लगभग 3 घंटे हो गए, अब देखते हैं मामला कहाँ तक पहुँचा है। ये देखिए दोस्तों, चीनी और केले के मिक्सचर ने बहुत पानी छोड़ दिया है, हमें बिल्कुल यही कंसिस्टेंसी चाहिए। अब इसको चूल्हे पे चढ़ा देते हैं। पहले तो हमें इसे हाई गैस पे पकाना है, और जब उबाल आ जाए तो गैस धीमी कीजिएगा। हमें लगातार कड़छी चलानी है, जब तक इसका पानी कम ना हो। इस स्टेज पे अब हम इसमें घी मिला लेते हैं, शुद्ध देसी घी। और हाँ, घी मिलाने में हाथ तंग मत रखिएगा। घी मिलाने के बाद तब तक पकाइएगा जब तक एकदम ड्राई ना हो जाए। ये देखिए, हमारा हलवा बिल्कुल तैयार है, अब सिर्फ इलायची पाउडर डालना ही बाकी है।
तो लीजिए, डाल ही देते हैं इलायची पाउडर। तो बन गया अपना गर्मा गर्म मांडोली बनाना हलवा, गोवन स्पेशल।